Hey everyone! Welcome back to my channel. My name is Ratika Gupta, and guys, today we are going to begin with possession. Guys, possession is an important concept as far as jurisprudence is concerned. In this very lecture, we'll be discussing an introduction to what possession is, and in my upcoming lectures, we'll be discussing legal definition of possession, kinds and modes of acquisition of possession. So, guys, as always, if you're new to my channel and if you have not subscribed it yet. Please subscribe to my channel right now. And yes, if you enjoy learning with me, you understand what I teach. Please like all my videos and do let me know in the comment section below. So, guys, let's get started with this concept of possession. Guys, possession is an important element of ownership. We know, right, ownership is a bundle of rights of which possession is an important element. It is said that possession is a means of acquiring ownership. कहने का मतलब है कि अगर आप किसी भी चीज के ऑनर बनना चाहते हो किसी भी चीज की ऑनरशिप को अक्वायर करना चाहते हो इट इजोर्टिनेंट फॉर यू टू एट हैव फिजिकल कंट्रोल और कस्टडी ऑफ दैट थिंग उस चीज़ की पोजेशन आपके पास अगर होगी तभी हम कहेंगे कि सब्सिकुएंटली आप उसके ऑनर बन सकते हो मोर ओवर इट इज़ सेट दैट अ लॉन्ग कंटिन्यूस एंड एन अन इंटरप्टिड पोजेसन इज एन इफेक्टिव मीन्स ऑफ रियलाइजेशन ऑफ ऑनरशिप इट मीन्स गाइज पजेशन एंड ऑनरशिप बोर्ड बहुत ही रिलेटेड हैं पोजेसन पहले होगी और ऑनरशिप बाद में आपके पास सब्सिक्वेंटली आ जाएगी अब इसकी एक बेस्ट एग्जाम्पल रहती है एडवर्स पोजेसन का जो कॉन्सेप्ट है अब गई जब आप किसी भी चीज़ को पोजेस करते हो आप ऑनर नहीं हो लेकिन जब आप किसी भी चीज़ को बहुत ही लंबे समय के लिए टेन ईयर्स ट्वेल्व ईयर्स फिफ्टीन और ट्वेंटी ईयर्स जब आप बहुत ही लंबे ड्यूरेशन ऑफ टाइम पीरियड के लिए किसी भी चीज़ को होल्ड करते हो कंटिन्यूसली विदाउट इंटरप्शन इज इट अनब्रेकेबली जब किसी भी चीज को आप होल्ड करके रखते हो दैट पोजेशन कन्वर्ट्स इट इंटू ऑनरशिप सो इसीलिए कहते हैं कि अ लॉन्ग कंटिन्यूस एंड एन अनप्टेड पोजेशन इज एन इफेक्टिव मीन्स ऑफ रियलाइजेशन ऑफ ऑनरशिप दैट्स इट इज स्टेटेड पोजेशन इज नाइन आउट ऑफ टेन पॉइंट्स ऑफ लॉ बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि पोजेशन इज एन इम्पॉर्टेंट एविडेंस ऑफ ऑनरशिप नाइन आउट ऑफ टेन पॉइंट्स ऑफ लॉ का मतलब है कि पोजेसन जो है वो ऑलमोस्ट सब कुछ है अगर आपके पास पोजेसन है तो हम ये मान के चलेंगे कि आपके पास ऑनरशिप भी है इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट एविडेंस ऑफ ऑनरशिप दैट्स वाई इट इज सैड दैट पोजेशन इज अ प्राइम फिसाई एविडेंस ऑफ ऑनरशिप प्राइमोफसाई का मतलब होता है ऑन द फेस ऑफ इट तो ऑन द फेस ऑफ इट ये पता लगता है जिस इंसान के पास पोजेसन है कि वो उस चीज़ का ऑनर भी है इसकी एक छोटी सी एग्जाम्पल लेते हैं इफ़ दिस बोर्ड इज़ इन माई पोजेसन इट इज़ डीम्ड इट इज़ प्रिज्यूम्ड कि मैं इसकी ऑनर भी हूँ इट इज़ प्राइमोफिसाई एविडेंस ऑन द फेस ऑफ इट अगर ये चीज़ मेरी कंट्रोल में है मेरे फिजिकल कंट्रोलर और कस्तरी में है तो हम ये मान के चलेंगे कि ये बोर्ड मेरा है इज इट सो गाइज इसीलिए इसी चीज़ पे प्रजम्पन पे बेस्ड है कोर्ट से प्रिज्यूम करके चलते हैं कि जिस भी इंसान के पास किसी भी चीज़ की कस्टडी है तो हम ये मान के चलेंगे कि वो इंसान उस चीज़ का ऑनर है इंटरेस्टिंगली गाइज जो इंसान ऑनर है आई मीन पोजेसर है इन दिस केस उस इंसान को ये प्रूफ करने की जरूरत नहीं है कि मेरा इस पर टाइटल ऑफ ऑनरशिप भी है अब जो इंसान कल को आके मेरे टाइटल को डिस्प्यूट करेगा उस इंसान को प्रूव करना है कि ये टाइटल मेरा नहीं है और सामने वाले का एक बेटर टाइटल है एज फार एज माई टाइटल इज कंसर्ड आई मेक यू अंडरस्टैंड फॉर एग्जाम्पल दिस इज माई बोर्ड इट इज इन माई पोजेशन इट इज इन माई फिजिकल कंट्रोल एंड कस्टडी सो इट इज डीम्ड इट इज प्रज्यूम्ड बाई द कोर्ट्स ऑफ लॉ कि ये मेरी ऑनरशिप के अंडर है ये आम एन ऑनर ऑफ दिस बोर्ड कल को अगर कोई भी सो एंड सो पर्सन कम्स और वो मेरे इस टाइटल ऑफ़ ऑनरशिप को डिस्प्यूट करता है कि ये वाइट बोर्ड मेरा ना होकर उस इंसान का है देन बर्डन ऑफ प्रूफ मेरे पे नहीं है क्योंकि दैट इज़ ऑलरेडी प्रिज्यूम्ड बाय द कोर्ट्स ऑफ लॉ कि मैं इसकी ऑनर हूँ सामने वाले को इस प्रिजम्पन की रिबटल करनी होगी सम हाउ टू दैटिस्फैक्शन ऑफ द कोर्ट कि वो इंसान इस चीज का ऑनर है और मैं नहीं हूँ ही हैज टू शो हिज बेटर टाइटल टू इट उसको अपना बेटर टाइटल दिखाना है कि जो मेरा टाइटल है उसे बेटर टाइटल क्योंकि उसके पास है तो ये चीज़ उसकी पोजेशन में होनी चाहिए एनहेंस वो इंसान इस चीज़ का ऑनर होगा सो so, कहने का मतलब है यूजुअली Codes of law they presume that whosoever possesses a particular thing which may be movable or immovable happens to be an owner of it. And burden of proof is not on me to prove my title of ownership because that is something which has already been presumed by the courts of law. Burden of disproving my title of ownership and thereby proving his better title to it is on the person who disputes my title of ownership. I guess you have this point is clear, guys. Basically, presumption. और सामने वाले को इसकी रिबटल करनी है जब तक कोई रिबटल नहीं करेगा मेरे टाइटल को डिस्प्यूट नहीं करेगा तब तक ये मान के चलेंगे कि मेरे पास इस चीज़ की पजेशन है तो मैं ही इसकी ऑनर हूँ अब वाइज यहाँ पे अगर आपने एक चीज़ देखी हुई फोकस्ड मोर ऑन बेटर टाइटल समथिंग कॉल्ड बेटर टाइटल एज फार एज दिस कॉन्सेप्ट ऑफ पजेशन इज कंसर्नड हम बेटर टाइटल को समझते हैं गाई जब हम ऑनरशिप की बात करते हैं उसमें बेस्ट टाइटल को स्टडी करते हैं बट वेन आई से पजेशन वहाँ पे लॉ इज़ जनरली नॉट कंसर्न हु हैज बेटर बेस्ट टाइटल बेस्ट टाइटल किसके पास है वो लॉ ऑफ पोजेशन डील नहीं करता जिस इंसान के पास बेटर टाइटल होगा लॉ ऑफ पोजेशन उस चीज पर बात करता है सो so, इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है कि बेस्ट टाइटल कब होगा और बेटर टाइटल कब होगा लेडस अंडरस्टैंड दिस पॉइंट विद दिल्प ऑफ एन इलास्टेशन एंड देर बाई विध केस लॉ ऑल्सो सो फॉर एग्जाम्पल गाइज डे एज अ पर्सन ए हु हुपन्स टू बी दिनर ऑफ अ वॉच अब जो इंसान किसी भी चीज़ का ऑनर होता है गाइज आपको पता होगा कि ऑनरशिप इज द बेस्ट टाइटल जो इंसान एक चीज़ का ऑनर है उसके पास बहुत सारे राइट्स एंड लाइबिलिटीज़ होंगी बहुत सारे उसके पास इम्यूनिटीज एंड पावर्स होती हैं तो कहने का मतलब है कि जो इंसान किसी भी चीज़ का ऑनर है उसके पास तो बेस्ट टाइटल है दैट पर्सन हैज़ द बेस्ट टाइटल

इज अब यहाँ पे हम एक कॉन्सेप्ट को स्टडी करते हैं बेस्ट एंड बेटर टाइटल ए के पास इस चीज़ का बेस्ट टाइटल है बीइंग एन ऑनर वी हैव अंडरस्टूड इट लेकिन एज टू पीपल आर कंसर्न यहाँ पे थीफ सर्वेंट को ये नहीं बोल सकता कि मैं आपको वॉच नहीं दूंगा क्योंकि आप इसके ऑनर नहीं हो क्योंकि हम लोग ऑनरशिप की बात नहीं कर रहे वी आर कंसर्न विद पोजेशन यहाँ पे थीव को सर्वेंट को पजेशन देनी होगी क्योंकि सर्वेंट हैज बेटर टाइटल एज अगेंस्ट दिस पर्सन अब यहाँ पे होता क्या है कि जो इंसान यहाँ पे है दिस पर्सन हैज़ अ बेटर टाइटल अगेंस्ट थीफ बट नॉट अगेंस्ट हिज ऑनर ऑब्वियसली ऑनर के पास तो बेस्ट टाइटल है अगर इन दोनों में से बात की जाए कि, कि किसको पोजेशन मिलेगी सिंस ही हैज़ अ बेटर टाइटल टू इट ऑब्वियसली डैन दिस तो टू रिटर्न दैट वॉच टू हिम ऑनर नहीं है वो लेकिन पोजेशन देनी होगी क्योंकि पोजेशन इज अ रिलेटिव कॉन्सेप्ट हम लोग रिलेटिव कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं पोजेशन में इसीलिए हम लोग बेटर टाइटल की खोज करते हैं कि जिसके पास बेटर टाइटल है उसको वॉच दे दी जाएगी आई होप का वो क्लियर हो चुका तो इसको हम बोलते हैं कि दिस पर्सन जिसके पास जो बेटर टाइटल होता है ही हैज़ दिस बेटर टाइटल अगेंस्ट वर्ल्ड एट लार्ज पूरी दुनिया में वर्ल्ड एट लार्ज राइट इन रैम पूरी दुनिया में सबसे बेस्ट टाइटल इसका है लेकिन गाइज एज अगेंस्ट दिस पर्सन ही हैज़ नन इसके अगेंस्ट इसका कोई भी टाइटल नहीं है क्योंकि उसके पास बेस्ट टाइटल है बट ही हैज़ सर्वेंट हैज़ अ बेटर टाइटल

था। उसने क्या किया? He was a chimney, उसको एक ज्यूल मिलता है उसने क्या किया वो ज्यूल जाके गोल्ड स्मिथ को दे दिया और गोल्ड स्मिथ को कहा कि प्लीज इसकी वैल्यू को बिकॉज मुझे मार्केट में सेल करके मनी लेनी है अब यहाँ पे गोल्ड स्मिथ ने क्या किया उस ज्यूल को अपने पास रख लिया एंड ही रिफ्यूज रिफ्यूज टू रिटर्न दैट ज्यूल बैक टू प्लेटिफ और टू द चिमनी क्लीनर और ये कहा कि ना तो आप इसके ऑनर हो आपको भी चिमनी क्लीन करते हुए मिला इस जूल का ऑनर कौन है वी डू नॉट नो ना तो मैं इसका ऑनर हूँ ना ही आप इसके ऑनर हो इसीलिए मैं आपको ये ज्यूल नहीं दूंगा अब इस यहाँ पे क्या हुआ चिमनी क्लीनर uh, आप इसी इलास्ट्रेशन को ले लो कि यहां पर अपने यहाँ पे अपने पास गोल्ड स्मिथ रहेगा और यहाँ पे चिमनी क्लीनर रहेगा ठीक है अब चिमनी क्लीनर ने कोर्ट ऑफ लॉ में जाके कहा कि मुझे ये चीज दिलाई जाए क्योंकि गोल्ड स्मिथ ने गलत तरीके से उसको डिटेन करके रखा है उसको पोजेशन नहीं मिलनी चाहिए इन दिस केस ही प्लेड इिफेंस ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ जस्ट अर्टाई डॉक्टर का मतलब कुछ नहीं है बहुत सिंपल है गोल्ड स्मिथ ने कहा कि देखो नीदर ही यानी कि प्लेटिव और चिमनी क्लीनर इन दिस केस नॉमी हैज अ राइट टू क्लेम पजेशन क्योंकि इसका एक्चुअल तो कोई और है सम थर्ड पर्सन इज एन ऑनर ऑफ इट तो वो इंसान जब क्लेम करेगा उसको पोजेशन दी जाएगी क्योंकि ना मैं इसका ऑनर हूँ ना ही ये इस, इस चीज़ का ऑनर है तो इसको क्यों पोजेशन मिलेगी तो कोर्ट ने फिर वही चीज़ कही कोर्ट रिजेक्टेड दिस गोल्ड स्मिथ कंटेंशन और ये कहा कि ही हैज़ अ बेटर टाइटल एज फार एज दिस जूल इज कंसर्न इसका ट्रू ऑनर कौन है हमें नहीं पता लेकिन हम यहाँ पर ऑनरशिप के रहीं पोजेसन की बात करते हैं एंड पजेशन बींग रिलेटिव कॉन्सेप्ट हम ये देखेंगे किसके पास बेटर टाइटल है बेस्ट टाइटल जिसके पास है वो तो पता ही नहीं कहाँ पे है लेकिन एज फार एज दीज टू पीपल जो प्लेंटिफ है क्योंकि उसको चिमनी क्लीनर को ये जूल पहले मिला था सो ही हैज़ अ बेटर टाइटल टू इट एज अगेंस्ट वर्ल्ड एट लार्ज एज अगेंस्ट गोल्ड स्मिथ वर्ल्ड एट लार्ज में वो गोल्ड स्मिथ भी आता है सो ही हैज़ अ राइट इन रैम अगेंस्ट दी वर्ल्ड एट लार्ज एक्सेप्ट द ट्रू ऑनर कल को ट्रू ऑनर मिलेगा तो उसको ये जूल वापस करना होगा फिर ये प्लेंटिफ मना नहीं कर सकता कि ये चीज़ अब मेरी पोजेशन में है लेकिन आपके खिलाफ इसी को मिलेगा बिकॉज ही होल्ड्स अ बेटर टाइटल टू इट सो डॉक्टर ने प्लीड करी थी उस कंटेंशन को हमारे कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया था और कोर्ट ने क्लियरली कहा कि ही हैज़ अ बेटर टाइटल टू इट सो ही इज एन टू क्लेम पोजेशन ऑफ दिस जूर सो गाइज एट द एंड हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि लॉ ऑफ पोजेशन जो है ना वो एक रिलेटिव कॉन्सेप्ट है एंड लॉ गवर्निंग पोजेशन इज जनरली नॉट कंसर्न विद एज टू हु हैज द बेस्ट टाइटल हम ये नहीं देखेंगे कि किसके पास बेस्ट टाइटल है इट इज कंसर्न एज टू विच ऑफ द टू पर्सन हैज अ बेटर टाइटल टू इट जिसके पास बेटर टाइटल होगा उस इंसान को बेशक उस चीज़ की पोजेशन मिल जाएगी अब उसके बाद क्या होगा वो देखा देखेंगे क्योंकि ट्रू ऑनर आएगा तो क्लेम करेगा देन ही हैज़ टू रिटर्न दैट थिंग बैक टू दी ऑनर ऑब्वियसली सिंस ही होल्ड्स द बेस्ट टाइटल लेकिन बेटर टाइटल इज अ वर्ड इम्पॉर्टेंट पोजेशन बींग रिलेटिव कॉन्सेप्ट बेटर टाइटल को समझना ज़रूरी था with the help of an illustration and a case law i hope guys possession ki introduction basic points are quite clear to you in my upcoming lecture we'll be discussing technical and legal definition of possession so till then guys keep in touch with my lectures stay safe take care and bye-bye